हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एमजे गेमिंग। सो गाइज, आज अपने खेल रहे हैं रैंक मैच और अपने उतरेंगे फैक्ट्री की छत पे, क्योंकि फैक्ट्री की छत पे बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं। तो अपने जो है स्टार्टिंग यहीं से करेंगे और सभी को मारेंगे भी और बुया भी लेंगे। बंदे अपने सामने उतरे हैं भाई साहब टंकी के ऊपर। मेरे को लग रहा है दो बंदे तो कम से कम उतरेंगे यार टंकी के ऊपर। तो भाई साहब दो बंदे उतर चुके हैं और उनके साथ भाई साहब एक बंदा तो जंप कर गया, इसको मारते हैं। और भाई साहब ये मर भी गया। अपने पास लग चुकी है भाई साहब एक प्लाज्मा और एक रोजा। रोजा से इसकी खोपड़ी तोड़ दी भाई साहब, इसने मेरी बहुत ज़्यादा तोड़ दी थी। अब देखो यार मेरी हेल्थ देखो, मतलब छोड़ी भी नहीं कुछ भी, बहुत कम छोड़ी थी। कोई बात नहीं, इसको मारा मैंने और एक बंदा यहाँ पे आ रहा है और इसको भी मैंने डैमेज किया और फिनिश भी कर दिया। और इसी के साथ अपने हो चुके हैं चार किल। भाई साहब टंकी के ऊपर दो मारे थे और दो भाई साहब नीचे वाली छत पे। तो अब मेरे को लग रहा है अपने को उतरना होगा क्योंकि बंदे छत के ऊपर है अभी भी। मेरे को साउंड आ रही है फुटस्टेप की, बट अब देखते हैं भाई साहब कब तक वो बाहर निकलेंगे। जब निकलेंगे भाई साहब तभी मार पाएंगे ना। और मैं एक बार देख लेता हूँ इधर उधर, मेरे को लग रहा है वो यार यहाँ से निकलेंगे ज़रूर और जंप करेंगे नीचे की ओर। भाई साहब एक बंदा गया और इसको मैंने डैमेज तो बहुत ज़्यादा कर दिया, तो अपने को भी जंप कर लेनी चाहिए और जंप करके इसके पीछे पीछे भागेंगे और इसको मारेंगे भी। चलो चलते हैं यार, मैं डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास इस समय मेडिकेट के नाम पे भाई साहब कुछ भी नहीं है। और बंदा मेरे को सामने दिखा भाई साहब, उसने मेरे पे फायरिंग करने की, मतलब अब पता नहीं इसने मेरे पे फायरिंग की या फिर किसी और पे। सामने ग्लू वॉल लगी हुई बार की ओर, बट मेरे को पता नहीं वहाँ पे भाई साहब बंदा है या नहीं है। भाई साहब खत्म, गुड बाय टाटा। अपने एक बार फिर से आ चुके हैं फैक्ट्री की टंकी पे। तो भाई साहब इस बार भी दो बंदे उतरे हुए हैं क्योंकि एक बंदे को इन्होंने पहले मार दिया और एक बंदे को भाई साहब इसने मेरी आंखों के सामने मारा है। उसकी स्नाइपर मेरे हाथ में लग चुकी है तो मैं इसको मारूंगा और उसकी मौत का बदला लेंगे। और इसको मार भी दिया मैंने और अपनी बाउंटी हो चुकी है एक्टिवेट। तो देखते हैं अपने को भाई साहब इसके अंदर से ड्रैगनो मिली है, तो अपने ड्रैगनो उठाएंगे ना यार, मतलब ये क्यों उठाएं। तो कार 98 का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ड्रैगनों की जो अब मैं हेडशॉट आपको दिखाने वाला हूँ ना, मतलब आप फैन हो जाओगे ड्रैगनों के। चलो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाऊंगा, रुको यार थोड़ा सब्र करो, मेरे को बंदा दिख जाने दो। और बंदा जैसे दिखेगा ना क्या ही मारूंगा, इतना मारूंगा ना पूछो मत, वो लॉबी के अंदर भी आने से डरेगा। अब देखो मैं, मेरे को बंदा दिख जाने दो एक बार, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बंदा है। और भाई साहब दिखा और इसको कैसे मारा, मतलब क्या ही हेडशॉट मारा है। मैं कह रहा हूँ लाइक ठोको इसके लिए, लाइक सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जो घंटे का निशान है ना उसको भी ठोक दो, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ठीक है। और मैं भी अब उतर जाता हूँ फैक्ट्री की जो टंकी है इसके ऊपर। मेरे को नीचे लग रहा है बंदे हो सकते हैं क्योंकि वो अपनी लूट कर रहे होंगे, तो उनकी लूट को वहीं पर रोकते हैं और भाई साहब उन्हें लॉबी में पहुँचाते हैं। मेरे को साउंड आ रही है, मेरे को लग रहा है बंदे की मेरे को साउंड आ रही है और बंदा अपने पास यहीं कहीं है। चलो ढूंढते हैं उसे और उसको मारते हैं। कहाँ पे यार तुम, सामने आओ एक बार, सामने आ जाओ, तुम अपनी एक झलक दिखाओ हमें और हम तुमको हेडशॉट की झलक दिखाते हैं कि हमारी ड्रैगनों कैसी। भाई साहब ये बंदा तो आ चुका है हमारे सामने, और भाई साहब ये शर्मा क्यों रहा है इतना यार, मतलब ऊपर ही बैठ गया यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, इसके पास तो भाई साहब मेरे को लग रहा है लूट के नाम पे कुछ भी नहीं था, तभी ये बंदा इतना डर रहा था यार। मतलब अब अपने क्या करते हैं, कार 98 को चेंज कर लेते हैं UMP से, क्योंकि UMP बहुत ज़्यादा सही गन है। और ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपने ऐसे करते हैं, अपने कितने किल हो चुके हैं 3। तो मेरे को लग रहा है अपने को फैक्ट्री पे तो बंदे मिलने वाले नहीं है, तो अपने सीधे जो है क्लॉक टावर की ओर निकल लेते हैं ठीक है। फैक्ट्री पे जितने भी बंदे थे वो तो अपनों ने ख़त्म कर दिए थे, बट अपने आ चुके हैं क्लॉक टावर पे। और मैं यहाँ से सोच रहा हूँ अपने निकल जाते हैं पीक पे, और यहाँ से क्योंकि पीक पे जाएं भाई साहब मेरे को आई बंदे की साउंड फायरिंग की। और मेरे को लग रहा है जो सामने जो आपको पिलर दिख रहा है ना, ये जो पौड़ी है, जो मतलब इसको क्या बोलते हैं मेरे को अब याद नहीं आ रहा भाई साहब, उसके पीछे पिलर के पीछे बंदा है भाई साहब, जिससे अपने ऊपर चढ़ते हैं ना इसके पीछे भाई साहब बंदा है। अब भाई साहब उसको एक बार निकलने दो, उसको मैं ड्रैगनों का जो हेडशॉट दिखाऊंगा, मतलब उसको मारूंगा, आपको दिखाऊंगा वो देखो आप। अब मैं चलता हूँ यार, उसी की तरफ जाना होगा मेरे को, वो भी अपने कदम को जो बिल्कुल शांत करते हुए, क्योंकि सीढ़ियों पे जो बंदा है ना, सीढ़ियों के जो पिल्लर है उसके पीछे बंदा है। तो भाई साहब मेरे को लग रहा है वहाँ पे निकल लेना चाहिए अपने को। भाई साहब बंदा भाई साहब उस तरफ चला गया यार, मतलब वो निकला फिर से अंदर गया। अब मैं उसको ड्रैगनों का हेडशॉट दूँ तो यार दूँ कैसे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ फ्लैश डालता हूँ, बट यार वो जा चुका है यार, मतलब सामने वो आपको दिख रहा होगा, अभी अभी निकला है।
मतलब इतना बंदा डरा हुआ है ना, मतलब ये सभी चाह रहे हैं कि रैंक पुश करें, बट मैं चाह रहा हूँ इनको मारूं, क्योंकि मेरे को चाहिए किल, मैं हूँ किल का भूखा, ठीक है। इतने किल करूँगा कि इतने किल करूँगा ना, मतलब बवंडर ला दूंगा, बस अगर मेरे को बंदा दिख जाने तो, फ्री फायर के अंदर बवंडर ला दूंगा अगर मेरे को बंदे दिख जाए तो। अब पता नहीं यार मैं लाऊंगा, और भाई साहब अपने ऊपर आ चुका है क्या स्कैनर, तो भाई साहब बंदे अपने को बंदा जो है वो स्पॉट हो चुका है, तो बंदा सामने अपने, अब अपने को डरने वाली बात नहीं है क्योंकि अपने ऊपर ही स्कैनर है, तो अपनी लोकेशन उसको पता है, उसकी लोकेशन मुझे पता है, तो अपने को घबराने वाली बात नहीं क्योंकि अपने डरे नहीं हुए, वो बंदा डरा हुआ है, तो अपने आसानी से भाई साहब आया तो इसको क्या ही हेडशॉट चिपकाए ना, मैं कह रहा हूँ इसके लिए भी लाइक ठोक दो, अगर लाइक नहीं हो रहा ना तो अनलाइक करके लाइक ठोको, ठोको मैं कह रहा हूँ लाइक ठोको, रुकने नहीं चाहिए लाइक, लाइक ठोको, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है यहाँ से भी निकल लेना चाहिए क्योंकि जितने भी बंदे थे ना क्लॉक टावर पे, मेरे को लग रहा है मैंने फिनिश कर दिए। तो गाइज मैं जैसे ही यहाँ पे आ रहा था ना, मेरे सामने हुई है फायरिंग दो बंदों के बीच में, ठीक है। अब मेरे को दोनों बंदे स्पॉट तो हो चुके हैं, मेरे को यहीं कहीं लग रहे हैं, बट मैं जैसे ही यहाँ पे उतरता हूँ मेरे को बंदा दिखना ही गायब हो जाता है, मतलब बंदे गए तो गए कहाँ। अब ऐसा बंदों की फायरिंग तो यहाँ पे हुई है, बट मेरे को ना बंदे की लाश दिख रही है, मतलब पेटी। अब बंदे की मेरे को पेटी भी दिख जाए ना, मैं उसके ऊपर नाचूंगा, मतलब इमोट मारूंगा। अब मेरे को पर कुछ भी नहीं दिखा यहाँ पे, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने यहाँ से निकल लेते हैं, पर उतनी देर में मेरे को क्या दिखा, मतलब पेटी दिखी बंदे की, मतलब नीचे, और मेरे को पता लग चुका है यार बंदा भी यहीं कहीं होगा यार, मतलब जाएगा तो जाएगा कहाँ, यहीं कहीं छुप गया होगा ये, या फिर वो जो पीछे आपको पीक का घर दिख रहा है ना सामने, या तो उसके अंदर गया होगा मार मुड़ के। बट मैं तो यहाँ पे अभी आया हूँ और अभी अभी फायरिंग हुई है, तो बंदा यहीं कहीं होगा। अब भाई साहब उसको भाई साहब ढूंढना तो होगा ना, अब मैं वेट करता हूँ उसका, जैसे ही आएगा ना उसको बहुत बुरे वाला मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि ऐसा मारूंगा भाई साहब, पीछे से मेरे पे हुई फायरिंग, भाई साहब मेरे को बंदा तो दिख चुका है वो देखो, और उसके पास स्नाइपर है, थोड़ा बहुत अपने को भाई साहब डर के रहना होगा क्योंकि यार स्नाइपर से ड्रैगनों मुकाबला नहीं यार कोई भी, और मेरे को लग रहा है वहाँ पे एक बंदा नहीं या तो दो बंदे हैं क्योंकि उसको कोई और मार रहा है और भाई साहब वो मेरे को मार रहा है। कोई बात नहीं है आने दो यार, मेरे को लग रहा है वो क्लोज आने की पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसकी ग्लोव लग चुकी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जैसे ही आएगा मैं हेडशॉट मारने की पूरी ट्राई करूँगा ड्रैगनों से, और आप हेडशॉट काउंट करते रहना। भाई साहब आ रहा बंदा आया, और उसको मैंने UMP का दिया फटका, और भाई साहब हेडशॉट लग जा, भाई साहब नहीं लगा नहीं लगा, कोई बात नहीं है लगेगा लगेगा, टेंशन नहीं लेने की, और मैंने वहाँ पे लैंडमैन लगा दिया, और भाई साहब बंदा वो रहा। अब इसके हेडशॉट काउंट कर लेना भाई साहब, ये भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काउंट करना एक एक हेडशॉट, क्योंकि जब तक काउंट नहीं करोगे ना आप वीडियो के एंड में बताओगे क्या यार, मुझे मेरे को कमेंट के अंदर बताना है सब कुछ कि कितने मैंने इस वीडियो के अंदर हेडशॉट मारे, बंदा एक और आ चुका है, मतलब एक बंदा मरा तो भाई साहब दूसरा आ गया, कोई बात नहीं मैंने ग्लू वॉल लगाई, भाई साहब बंदा उसके पीछे, तो मैं अब क्या करूँगा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही चारा कि उस पर डालते हैं ग्रेनेड, क्योंकि ग्रेनेड की अपने पास कोई भी कमी नहीं है, ग्रेनेड अपने पास बहुत ज़्यादा है, तो मारते हैं यार उस पर ग्रेनेड और देखते हैं उसको डैमेज। भाई साहब 100 मतलब उसने मेरे पे ग्रेनेड डाला, कोई बात नहीं उसको डैमेज हुआ 100 से भी ऊपर, मतलब 175 का 75 से ऊपर ही हुआ वैसे, अब ये ख़त्म है मेरे को लग रहा है, और भाई साहब हुआ भी, और इसको तो भाई साहब हेडशॉट लगाया भी नहीं, कुछ भी नहीं लगा, बट इसको मैंने ख़त्म कर दिया कैसे ना कैसे करके, और अपने अभी तक हो चुके हैं 6 किल। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाऊंगा, वो भी ड्रैगनों के हेडशॉट, वो भी वीडियो के एंडिंग तक, ठीक है। और अब काउंट करते हैं ना कि कितने हेडशॉट मारे मैंने और कितने नहीं मारे, तो मैं अब यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट से, मेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे कोई बंदा होगा, और अगर होगा भी तो भाई साहब उसको मार ही देंगे, और सामने मेरे को लग रहा है भाई साहब बंदा आया भी, और मैं उसको जब तक नहीं मारूंगा जब तक भाई साहब वो मेरे सामने इधर मेरे को देख नहीं लेता ना, मेरे को जब तक देखेगा नहीं और मेरे पे फायरिंग नहीं करेगा, भाई साहब मैंने मार दिया यार, मैं क्या यार क्यों यार छोड़ो इसको मारते हैं ख़त्म करते हैं यहाँ पे, और अपने उचके 7 किल, और मेरे को यार इसकी पेटी से बहुत ज़्यादा ग्लू वॉल मिली है, तो अपने क्या करते हैं सभी ग्लू वॉल उठा लेते हैं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ग्लू वॉल है। तो गाइज मेरे को इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है ना, मतलब बंदे मिल ही नहीं रहे, मतलब जोन जो है कटे जा रहा है और काटे जा रहा है, मतलब बंदे मारे जा रहे हैं, मेरे को बंदे नहीं दिख रहे, पता नहीं यार कहाँ पे है, और चलो अपने क्या करते हैं इसके अंदर थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है ग्रांटेड के साथ मैं कह रहा हूँ बंदे जरूर आएंगे भीमा शक्ति से निकल के, और जैसे ही आएंगे ना
वैसे आप मेरे पीछे तवे पे इतने ज्यादा हेडशॉट लगे ना, इतने ज्यादा तवे पे हेडशॉट, मतलब तवे पे शॉट लगे हैं। अगर वो मेरे लग जाते ना, मैं मतलब खत्म था वहीं पे। और भाई साहब मैं वहीं से आया हूँ यार, उसी घर से, पर मेरे को वहां पे कोई बंदा नहीं दिखा। और अब भाई साहब वहां से बंदा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आने दो और उसको भाई साहब मारेंगे। अब देखो कैसे मारता हूँ मैं उसको। मैंने छिपका है भाई साहब बॉडी बॉडी, और भाई साहब खत्म, मतलब इसको तो मैंने खत्म कर दिया। और अपने हो चुके हैं 8 किल, और एक बंदा वहां से फिर से आ रहा है, मतलब ऊपर की साइड में है। और बट मेरे को वो दिख नहीं रहा, वो तो दिखेगा अभी थोड़ी देर, मतलब रुको, मेरे को बस उसकी लोकेशन पता है और मेरे को वो दिख नहीं रहा। तो भाई साहब मेरे को कंफर्म कह सकता हूँ बंदा वहाँ पे जो है भाई साहब अब निकलेगा, अब निकलेगा भाई साहब। जोन भी आ चुका है, तो भाई साहब अब तुम ग्रांटेड के साथ करो निकलोगे। और निकला भाई साहब, उसको मैंने भाई साहब बॉडी बॉडी चिपकाया और भाई साहब फिनिश भी किया। और मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि जोन है ना काटेगा, मतलब अब अपनी हेल्थ जो है छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ, और मेरे को लग रहा है कुछ मेरे को ड्रॉप करना होगा, तभी मैं बहुत ज़्यादा हल्का होऊंगा, मतलब हल्का। तो भाई साहब मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ, वैसे मेरे कोई काम की भी नहीं है। तो अपने क्या करते हैं, सामने अपने को घर दिख रहे हैं दो, सामने आपको दिख रहे होंगे घर, उसके अंदर जाके बैठते हैं आराम से। और मेरे को लग रहा है वहाँ पे अपने को बंदे कन्फर्म मिलेंगे, और उनको मारेंगे और बुइया लेंगे। बुइया लेना ज़रूरी है, अगर बुइया नहीं होगा तो भाई साहब वीडियो कैसे बनेगा, अगर बुइया होगा तो वीडियो बनेगा। और वैसे मेरे को इसके अंदर आप बताना कितने हेडशॉट लगे हैं, काउंट कर लेना एक एक हेडशॉट को। और अपने को अब किसी कोने पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कोने में अपने को कोई नहीं दे सकता यहाँ पे। और मैं भाई साहब पहले एक बार बाहर देख लेता हूँ कि बंदा यहाँ पे कोई है या नहीं है। और जोन अपने सामने है, तो अपने को इतनी घबराने वाली बात नहीं, तो अपने जोन के अंदर आराम से जा सकते हैं। जो आपको उधर सामने घर दिख रहा हो ना, मैं आपको दिखाता हूँ इस, भाई साहब अभी 2 मिनट रुको, मैं आपको घर दिखाऊंगा। मेरे को इस घर के अंदर कंफर्म बंदा लग रहा है, बट कंफर्म नहीं कह सकता मैं। तो अपने को इधर एक सामने घर है आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर जाएंगे, जोन से बच जाएंगे अपने। तो इस घर के अंदर कंफर्म बंदा है, मेरे को लग ही रहा था। और मेरे को जो उसके अंदर से फायरिंग भी आ चुकी है, तो अब अपने क्या करते हैं, उसको मारने का प्रबंध करते हैं, ठीक है। डरने वाली बात नहीं है, मारेंगे उसे और देखते हैं अपने क्या उसे हेडशॉट से मार पाएंगे या फिर बॉडी शॉट से। काउंट कर लेना कितने हेडशॉट मारे अपने ने एक एक। और ऐसा बाहर आओ तुम, मतलब उसकी मेरे को मुंडी दिखी थी, बट वो फिर से जा चुका है कवर के अंदर, फिर से दिखा और फिर से जा चुका है कवर के अंदर। कोई बात नहीं है, कवर में जाएगा भाई साहब, जोन भी आ चुका है, तो अब तो वो मरेगा देखो। और भाई साहब मर जा यार, और ये तो चलो मर चुका है। अपने क्या करते हैं, सामने वाले घर के अंदर चलते हैं और जोन से बचते हैं। जोन से बचना ज़रूरी है, जोन अगर भाई साहब अपने को मारेगा ना तो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, अपने जोन के हाथों मरेंगे। तो अपने क्या करेंगे, अगर मरेंगे भी ना तो बंदे के हाथ से मरेंगे, ठीक है, जोन से नहीं मरेंगे। चलो अपने, मेरे को लग रहा है अब अपने को यहाँ से भी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जोन अब टिकने नहीं वाला, कुछ ही देर के अंदर यहाँ से भी जोन निकलेगा। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ से भी निकलने का प्रबंध करते हैं और सामने की ओर चलते हैं, उस पहाड़ी पे वादियों के अंदर चलते हैं। रुको मैं यहाँ से निकलने का पूरा प्रबंध करता हूँ, और निकलते हैं फटाफट से। जोन चालू हो चुका है मेरे को लग रहा है यार, तो चालू हो चुका है जोन भी, तो अपने भी निकल लेते हैं फटाफट से और निकलते हैं यार। जोन देखो चल रहा है, भागो अब, मतलब भागो अब। अपने यहाँ पे अगर कुछ देर भी रुके ना तो जोन अपने को खा जाएगा। और मेरे को लग रहा है सामने जो ये आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर जाके बैठते हैं भाई साहब। सामने बंदा है और उसने मेरे को डैमेज किया, और भाई साहब इसके ऊपर से भी मेरे को साउंड आ रही है, तो गन निकाल लेते हैं फटाफट से। भाई साहब वो भी बना और इसने मार भी दिया।